पद्मावत फिल्म को लेकर दीपिका पादुकोण इन दिनों काफी सुर्खियों में हैं। इसी दौरान उनकी कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। दरअसल फिल्म की स्क्रीनिंग में दीपिका ने ऑफ व्हाइट कलर का अनारकली सूट पहना था। खास बात यह है कि यही सूट दीपिका पहले भी पहन चुकी है। साल 2013 में दीपिका ने चेन्नई एक्सप्रेस के प्रमोशनल इवेंट में भी इसे पहना था। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब दीपिका ने अपनी ड्रेसेस को रिपीट किया हो। इस डेनिम को तो दीपिका एक बार नहीं बल्कि कई मौकों पर रिपीट कर चुकी है। इससे पहले भी 12 ऐसे मौके आए जब दीपिका ने अपनी ड्रेस को रिपीट किया। चलिए हम आपको बारी बारी से वो 12 तस्वीरें दिखाते हैं जिसमें दीपिका ने अपनी ड्रेस को रिपीट किया है। फरवरी 2017 में दीपिका ने डार्क ब्लू लेदर जैकेट वाली ये ड्रेस ऑस्कर अवार्ड में जाते समय पहनी थी। बाद में मार्च 2017 में इसी जैकेट में वो मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई थी। दीपिका हाल ही में हुए स्टाइलिश अवार्ड में रेड कलर की कांजीवरम साड़ी में नजर आई। अभिनेत्री रेखा की गिफ्ट की हुई साड़ी को उन्होंने साल 2017 में अपने फ्रेंड आदित्य नारायण की शादी में भी पहना था। साल 2017 में दीपिका ने एक पार्टी में ब्लैक टैंक टॉप के साथ हाई वेस्ट मेटेलिक पैंट पहनी थी। बाद में उन्होंने यही आउटफिट शाहिद कपूर की प्री बर्थडे पार्टी में भी रिपीट किया था। फरवरी 2017 में दीपिका गुच्चू ब्रांड की इस ब्लू ड्रेस में एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई थी। कुछ वक्त बाद ही बॉयफ्रेंड रणवीर सिंह के साथ डिनर डेट पर भी उन्होंने यही ड्रेस को रिपीट किया था। दीपिका ने नवंबर 2017 में अलीबाग फार्म हाउस में हुए शाहरुख खान के बर्थडे पर व्हाइट कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनी थी। इससे पहले यही ड्रेस दीपिका आईफा 2016 में भी पहन चुकी हैं। साल 2017 में दीपिका ने रामलीला की स्क्रीनिंग पर व्हाइट मैक्सी पहनी थी। इसी ड्रेस को बाद में उन्होंने फिल्म फाइंडिंग फैनी के कम्प्लीट होने की खुशी में रखी एक पार्टी में दोबारा पहना था। दीपिका ने साल 2017 में ऑलिव ग्रीन कलर की लॉन्ग टी शर्ट को ब्लू डेनिम के साथ पहना था। कुछ महीनों बाद वो इसी ड्रेस में दोबारा स्पॉट हुई। साल 2017 में वैनिटी फेयर ऑस्कर्स में दीपिका ने डोल्से एंड गबाना की गोल्डन ड्रेस पहनी थी। इसी ड्रेस को वो साल 2012 में हुए वॉग अवार्ड्स में भी पहन चुकी हैं। दीपिका ने व्हाइट कलर की ये सलवार कमीज साल 2009 में फिल्म चांदनी चौक टू चाइना की प्रेस मीट में पहना था। बाद में उन्होंने इसी ड्रेस को साल 2010 में फिल्म लफंगे परिंदे की प्रेस मीट में रिपीट किया था। आपको बता दें दीपिका एक फिल्म का 11 करोड़ रुपए लेती हैं। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।